मिलता है, नहीं दूध मिलता है, नहीं गर्म पानी मिलता है, नहीं चाय मिलता है, मुखिया जी भी खाने का मन नहीं करता। मुखिया जी कराए से थोड़ा हम लोग क्या मिलना चाहिए, ऐसे में तो आओ हम लोग यहाँ पर कोई किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, नहीं इसमें पंखा है, नहीं लाइट रखा, लाइट लगा है अंदर में थोड़ा देख लीजिए। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी है, पदाधिकारी को दी है आप लोग, तो लोग बाहरी पदाधिकारी अंदर लेंगे या अंदर पदाधिकारी डीएम को दिए, नहीं कुछ नहीं आया। कैसे आप लोग लुंगी गमछा मिले अथी जनानी क्या चाहते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? के दिया है आपको लुंगी? पंचायत दिया है, बोलो। जो कर्मचारी जो पदाधिकारी लाश पर से कफन बेचने के काम करते हुए पकड़े जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगा। डीएम साहब से आग्रह किए हैं कि इस तरह का अगर व्यवस्था होगा सरकार की बदनामी होगी, तो हम चुप घरे बैठेंगे नहीं। हम सरकार जब सारा साधन उपलब्ध करा रहा है, प्रतिदिन आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव जिला पदाधिकारी को सभी पदाधिकारी को वीडियो तक के वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सुगा के तरह समझा रहे हैं, इसके बावजूद भी गड़बड़ी हो रही है, तो उस गड़बड़ी का सजा गड़बड़ी करने वालों को भुगतना होगा। अगर सब 32 तरह के सामग्री है जो क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले जो हमारे भाई हैं या हमारी बहनें हैं उन या बच्चे हैं उनको देना है। हमारी सरकार ने व्यवस्था जिला प्रशासन के हवाले किया है, आपदा प्रबंधन विभाग ने बजाबते सूची जारी किया है संपूर्ण राज्य में। अब स्थानीय स्तर पर ग्राम सेवक या जो उनको देख रहे हैं वीडियो, इनके द्वारा जो गड़बड़ी की जा रही है इसकी सूचना हम जिला पदाधिकारी को देते हैं। आज ही जैसे हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि बगैया क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला को लुंगी और गमछा दे दिया गया, हमने डीएम साहब को कहा है कि आप वहाँ के ग्राम सेवक को सस्पेंड कीजिए। चूंकि ग्राम सेवक जन सेवक और वीडियो के कारण अगर सरकार की छवि धूमिल हो रही है तो मैं कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ।